आज हम भारतीय संस्कृति की साहित्यिक परंपरा के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास पर चर्चा करेंगे तुलसीदास मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास का जब आविर्भाव हुआ उस समय जनजीवन पर अत्याचार छाया हुआ था जनता निष्क्रियता में डूबी हुई थी उस समय तुलसी ने कट्टरताओं को शिथिल करते हुए लोक कल्याण का संदेश दिया था तुलसीदास के जीवन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है लेकिन ये कहा जाता है कि वह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे उनकी जन्म तिथि के बारे में भी मतभेद हैं। अधिकांश विद्वान इनकी जन्म तिथि पंद्रह ईस्वी के आसपास मानते हैं जन श्रुतियों के अनुसार इनका जन्म सारो यूपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीबाई था इनका जन्म जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और के समय इन्होंने राम शब्द बोला था मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया ये काफी समय तक इधर उधर भटके अंत में काशी में बाबा नरहरिदास के पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की युवा अवस्था में दीन बंधु की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया था ये रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्ति रखा करते थे ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए अपने भाई के साथ मायके चली गई तब इनका वियोग तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया एक रात वे अपने आप को रोक नहीं पाए और घनघोर अंधेरी रात में बरसती बरसात में एक लाश को लकड़ी का समझकर यमुना नदी कर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर उप, चढ़ गए और रत्नावली के कमरे तक पहुंच गए इस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत धिकारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में स्वरचित दोहा सुनाया जिसका अर्थ था इस माह की दे इस मास की देह से इतना प्रेम अगर इतना प्रेम राम से होता तो आपका जीवन सुधर जाता इस दोहे का तुलसीदास के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनका वासना में अनुराग वैराग्य में बदल गया उन्होंने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए बाद में वे काशी में आकर बसे और यहाँ आकर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की राम का यश गाते हुए सोलह सो ईसवी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई थी तुलसीदास जी महान कवि होने के साथ साथ एक महान संत भी थे रामचरितमानस उनकी कीर्ति का स्तंभ है इसके अलावा भी उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने धर्म संस्कृति जीवन साहित्य और भाषा का समन्वय अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया था तुलसीदास जी भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के कवि थे उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे थे कहा जाता है कि उन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की थी जिनमें प्रमुख ग्रंथ कुछ इस प्रकार है रामचरित्र मानस रामचरित्र मानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसने तुलसीदास जी को अमर बना दिया था भाव भाषा प्रबंध कौशल छंद अलंकार शैली सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है यह ग्रंथ सात खंडों में है इसमें राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है इसमें पात्रों के माध्यम से आदर्श उपस्थित किए गए हैं राजा के रूप में दशरथ माता के रूप में कौशल्या पुत्र के रूप में राम स्त्री के रूप में सीता मित्र के रूप में सुग्रीव और शत्रु के रूप में रावण और देश द्रोही के रूप में विभीषण और सेवक के रूप में हनुमान का चरित्र चित्रण किया गया है समन्वय की दृष्टि से भी यह एक महान ग्रंथ है वैष्णव और शैव मत में राम द्वारा शिव और पार्वती की पूजा दिखाकर एकता स्थापित इसके अंतर्गत करने का प्रयास किया गया है इसी प्रकार भक्ति और ज्ञान का भाषा में संस्कृत और हिंद अवधी का निर्गुण और सगुण का गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है साहित्य की दृष्टि से भी यह एक आदर्श काव्य है इसमें सभी रसों का विशेषकर पीर और शांत रस का वर्णन है प्रकृति चित्रण में लंका पंचवटी और चित्रकूट का वर्णन किया गया है यह पूरा महाकाव्य दोह, दोहों और चौपाइयों में है और यह संगीतमय काव्य है यह हिंदू समाज का एक आदरणीय ग्रंथ माना जाता है विनय पत्रिका यह ब्रज भाषा का काव्य है और यह एक मुक्तक काव्य है मुक्तक काव्य उसे कहा जाता है जिसमें एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध नहीं होता है इसमें भक्त अपने उद्धार के लिए भगवान राम से निवेदन करता है ज्ञान वैराग्य और भक्ति संबंधी विचारों का समन्वय इस विनय पत्रिका में देखने को मिलता है कवितावली कवितावली में सवैया छंद में भगवान राम के जीवन का वर्णन है वात्सल्य श्रृंगार वीर और विपत्स रसों का इसमें वर्णन किया गया है यह है एक मुक्तक काव्य है गीतावली यह ब्रज भाषा का गीति काव्य है और वात्सल्य रस का का ही वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है राम कथा संबंधी गीतों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है दोहावली राम की प्रशंसा दोहों के रूप में इसमें की गई है इसमें पांच सौ तिहत्तर दोहे दिए गए हैं कृष्ण गीतावली कृष्ण की प्रशंसा में लिखे हुए पद हैं, यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न इसमें सात सर्ग हैं और राम कथा दोहों के रूप में है दोहों का ऐसा क्रम है कि प्रश्नकर्ता को उत्तर भी उसके दोहों में ही मिल जाता है बरवे रामायण बरवे रामायण छंद में लिखी हुई है और राम के जीवन से संबंधित घटनाएं इसके अंतर्गत दिया गया है राम लल्ला खंड काव्य है और राम कथा छंद रूप के अंतर्गत इसके अंतर्गत दी गई है वैराग्य संदीपन में वैराग्य संबंधित बासठ ग्रंथ का संग्रह है धर्म और ज्ञान के साधारण सिद्धांतों का वर्णन वैराग्य संदीपन के अंतर्गत किया गया है पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का उल्लेख है जानकी मंगल में ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन दिया गया है तुलसीदास जी का अधिकांश साहित्य अवधि में है परंतु ब्रज और संस्कृत पर भी उनका पूर्ण अधिकार रहा है रामचरितमानस अवधि में है गीतावली विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है इन्होंने सभी छंदों बरवे, सवैया और शैलियों का प्रयोग किया है दोहों और चौपाइयों का वर्णन रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है इन्होंने प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है पंचवटी चित्रकूट का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है सभी रसों का प्रयोग इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है राम रावण युद्ध में वीर रस के दर्शन होते हैं और लक्ष्मण के घायल होने पर हमें करुण रस के दर्शन होते हैं तुलसीदास जी एक महान भक्त भी थे उन्होंने राम की भक्ति दास के रूप में की थी और विनय पद के विनय पत्रिका के पद पत इसकी पुष्टि करते हैं उन्होंने सगुण भक्ति पर बल दिया था और उनका ये कहना था कि मनुष्य सेवक भाव से यदि राम की श्रद्धा के साथ भक्ति करें तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है तुलसी भारतीय संस्कृति के रक्षक भी थे भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का चित्रण रामचरितमानस में किया गया है इस ग्रंथ को उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर और पाखंडों का खंडन करते हुए धर्म की व्यापकता पर बल दिया है उन्होंने दया परोपकार अहिंसा आदि नैतिक गुणों को धर्म का आधार बताया है तुलसीदास ने समाज में प्रचलित बुराइयों को कलयुग में दिखाकर और अच्छाइयों को राज्य में बताकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है इन्होंने राम के चरित्र के माध्यम से मर्यादा का आदर्श जनता के सामने रखा इन्होंने जाति पाति का भी विरोध किया था तुलसी लोक नायक भी थे मध्यकाल में धार्मिक अत्याचारों के कारण हिंदुओं का मनोबल गिर गया था हिंदू समाज में निराशा और अव्यवस्था व्याप्त थी सन्यासी बन जाना आम बात थी भक्ति काल के निर्गुण संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया परिणामतः लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा से उठने लगा परंपरागत धर्म से विमुख लोग होने लगे ऐसे में तुलसी ने रामचरित के माध्यम से पद दलित हिंदू जनता का मार्गदर्शन किया इन्होंने राम को दीन प्रतिपालक सर्वशक्तिमान और लोक रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया था तुलसी एक समन्वयात्मक संत भी थे तुलसी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित धार्मिक परंपराओं में समन्वय स्थापित किया था उन्होंने शैव और वैष्णवों में इस समय शैव और वैष्णवों में मतभेद था लेकिन मानस के माध्यम से दोनों के मतभेद समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया था रामचरितमानस मानस में कहा गया है कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है साथ ही शिव के मुख से यह कहलाकर कि राम से बढ़कर कोई शिव भक्त नहीं है ये, इस प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णवों के मतभेद को पाटने का प्रयास किया था इसी प्रकार सगुण और निर्गुण में भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया जैसे बर्फ व पानी अलग 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 नहीं है वैसे ही सगुण और निर्गुण अलग, अलग अलग नहीं है सगुण तो लीला मात्र है सगुण संधारण करने से उसके वास्तविक रूप में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है इसी प्रकार ब्राह्मण और शूद्र में भी समन्वय हमें मानस के अंतर्गत देखने को मिलता है। राम शबरी के बैर खाकर इस प्रकार का समन्वय रामचरितमानस मानस में दिखाया गया है तुलसी भारतीय संस्कृति के रक्षक थे उन्होंने रामचरितमानस मानस में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समग्र वर्णन किया है